कहाँ है देव? मुझे तो लगा थक गया है, आराम कर रहा होगा। पर ये लड़का ना नीचे पार्टी में है ना यहाँ, तो ये है कहाँ? देखो देव, देव 12 बजने का वेट क्यों करना है? सब सो रहे होंगे, उन्हें क्यों परेशान करना है? मैं कल आऊंगी, मैं कल सबसे मिल लूंगी, हम कल बर्थडे मना लेंगे। आई रियली नीड टू लीव। नो नो लिली, मिली सॉरी। क्या हुआ, क्या हुआ ब्रो? मैंने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन ये जा रही है, अब तुम लोग देख लो। नो वे, हमें हमारी होने वाली भाभी से पिटवाना है क्या? गाइस आई नीड टू लीव। नो, ये देखो कनिका भाभी ने आपके लिए दी है, जल्दी से इसमें चेंज कर लो, जल्दी से जाओ और चेंज करो। नो, चलो ना। 12 बजने में बस 15 मिनट बाकी हैं, थोड़ी देर रुक जाओ, फिर जहाँ जाना है चली जाना। हाँ, चेंज करने चलते, चलो 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 चलो। आकाश देव कहीं भी नहीं है, पूरे घर में देखा मैंने, प्लीज उसे ढूंढिए ना, उसका फोन मिलाइए। पर भाभी वो पार्टी में तो था ना। अरे मैं उसका कतर वाला फोन भी ट्राई कर रहा हूँ, उठा ही नहीं रहा है। गाइस मुझे बहुत लेट हो रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना है। यार रुको ना नयनतारा, प्लीज यार, मैं नहीं रुक सकती। अरे अरे अरे, रुको ना यार, हमारी फीलिंग्स को तो ऐसे हर्ट मत करो, बहुत दर्द होता है। दर्द होता है तो अपने नाम क्यों किसे हॉट हटा लो, हड्डी करा। नयनतारा 3 मिनट के लिए रुक जाओ, नयनतारा प्लीज, तुम्हारा और कनिका का सरप्राइज आता ही होगा, प्लीज प्लीज प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं नहीं रुक सकती। बहुत अजीब सा फील हो रहा है, आई एम सॉरी गाइस, तुम्हारी वजह से नहीं, आई एम जस्ट फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल। लिसन वेट, अगर तुम्हें ठीक फील नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, फिर घर ड्रॉप कर दूंगा, कम। तब से रुकी हूँ इसलिए तो ये सब हो रहा है, हटो पीछे। व्हाट्स रॉन्ग विद हर? वृंदा, 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 मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो, चुपचाप बाहर आ जाओ, हो सकता है मैं तुम्हें माफ भी कर दूंगा। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, बहुत पछताओगी। हे भोलेनाथ, मदद कीजिए मेरी प्लीज। कर रही थी वो। अब चलिए हम उसे ढूंढते हैं। हाँ। लो ये रहा देव। देव क्या करता है? देव कहाँ रह गया था तू? पता मैं कितनी परेशान थी, तुझे पता तेरा फोन भी नहीं लग रहा था, मेरी जान लेके रहेगा क्या? ओह कम ऑन मॉम, क्या हो गया आपको, इतना स्ट्रेस क्यों? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मुझे। सी आई एम फाइन। तो फिर आप बिना समय क्या करते हो देव? मैंने क्या किया? गलत बात है। ओह कम ऑन डैड, नाउ यू डोंट स्टार्ट। हे भगवान, अगर मैं अपने असली रूप में आ गई तो क्या होगा? मुझे जल्द से जल्द माँ के पास पहुंचना होगा। कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ मंदिर में। हाँ माँ, मुझे आने में देर हो गई, पर शुक्र है मैं किसी के सामने अपने असली रूप में नहीं आई। मैंने खुद को बहुत रोका, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे पूरे शरीर में अजीब सी बेचैनी हो रही है, अजीब सी हरारत हो रही है। नयनतारा, यानी कि वो घड़ी आ गई है। कयामत की रात आ गई है। आओ
अब देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। कहा था ना मैंने औकात में नहीं, बहुत पछताएगी। तुम मुझे कमजोर मत समझना माना, दोनों लड़कियों की जिंदगी में तुम्हें बर्बाद नहीं करने दूंगी। बाकी लड़कियों को छोड़, अभी अपना सोच कि आज तुझे बर्बाद होने से कौन बचाएगा। तुझे मेरी पोल खोलनी थी ना, मैं कितनी लड़कियों के साथ रहता हूँ, उनकी गिनती करने का बहुत शौक है ना तुझे, तो उनमें अब अपनी भी गिनती कर ले, क्योंकि आज मैं तुझे बर्बाद करके ही छोड़ूंगा। चल मानस छोड़ो, चल छोड़ दो मानस, मानस छोड़ दो मुझे प्लीज, मानस छोड़। मारूंगी मैं तुम सबको, तुम सबको अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। याद रखना मैं एक नागिन हूँ, नागिन हूँ मैं, एक-एक से बदला लेके रहूंगी मैं, इसीलिए जन्मी है ये, अपने माँ का बदला पूरा करेगी ये। तेरी 57वीं जन्म से इच्छाधारी नागिन नहीं होगी। 25 साल पूरे होने तक उसे भी इंतजार करना होगा अपने नागिन रूप में आने के लिए। कल तुम्हारे जन्मदिन के दिन ये श्राप कट जाएगा, तुम पहली बार अपनी असली रूप में आ जाओगी। क्या हो रहा है माँ, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रात हो गई है माँ, 12 बज गए, मुझे 25वां साल लग गया पर मेरा रूप नहीं बदल रहा। माँ आपने कहा था ना कि आज के दिन वो श्राप खत्म होगा और मैं पहली बार इच्छाधारी नागिन बनूंगी, पर माँ कुछ नहीं हो रहा है, मेरा रूप नहीं बदल रहा है। माँ कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हो गई, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई माँ? भागो यहाँ से, भागो, चलो भागो। अबे हुआ क्या? हुआ क्या है? लेकिन जल्दी गाड़ी में बैठो यार। तो हुआ क्या है? अरे जल्दी चलो गाड़ी में बैठो। अबे यार गाड़ी में बैठो जल्दी गाइस। तेरी वो गर्लफ्रेंड, गाड़ी में बैठो जल्दी गाइस।
थैंक गॉड संगीत अच्छे से निपट गया। बेटा मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम जितनी जल्दी हो सके ना इस घर की बहू बनकर आ जाओ। अब मुझे इंतजार नहीं होता, मुझे और कुछ नहीं चाहिए भगवान से। कैसे चाहिए होगा, जो चाहिए वो तो मिल रहा है। आप एक मिनट है भाभी, ये वृंदा कहाँ रह गई? उससे पूछना है ना कि कल की तैयारियों का क्या हुआ, पूरी हो जाएगी या नहीं, और नहीं हुआ तो कब तक होगा? मैं पूछती हूँ। अरे आप कैसे पूछेंगे, वो दिख ही नहीं रही है। कनिका, नैनतारा अचानक चली गई और वो बहुत टेंस भी लग रही थी। You wanna check on her? कहाँ चली गई, मैं अभी देखती हूँ। वैसे क्या थी, तुम वृंदा को ढूंढ रही हो? अरे दूल्हा भी नजर नहीं आ रहा है, उसे भी ढूंढ लो, कहीं वो अपनी शादी से भाग ना गया। भाभी, मेरा भाभी, मेरा मानस आपके स्पर्श की तरह नहीं है, और बाय द वे मुझे तो हर्ष और स्पर्श भी दिखाई नहीं दे रहे, कहीं वो दोनों तो घर छोड़कर नहीं भाग गए? बेकार की बातें छोड़ो और काम पे ध्यान दो। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। बा, आप प्लीज वृंदा से कहिए ना कि कल का पूरा काम संभाल ले, मुझसे नहीं बनेगा ये सब। वृंदा इस घर में क्या संभालती है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब वो इस घर में नहीं होती है तो काफी कुछ बिखर जाता है। माँ ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इच्छाधारी नागिन की बेटी नागिन ना बने, उसका रूप ना बदले? माँ कुछ करना होगा। माँ माँ हम कोई और रास्ता नहीं आजमा सकते? और कोई तरीका नहीं आजमा सकते नैनतारा, क्योंकि और कोई तरीका है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? माँ मेरे पास मेरी शक्तियाँ नहीं है, पर आपके पास तो आपकी शक्तियाँ, आप अपनी शक्तियों के सहारे उनसे बदला ले। सहारे अगर कुछ होता तो मैं तुम्हारे सहारे नहीं बैठती नैनतारा। बात को समझने की कोशिश करो नैनतारा, वो सब लोग मेरे चेहरे को पहचानते हैं, इसीलिए चौकन्ना है वो लोग, तभी तो उस पंडित जी को बुला के घर को अभिमंत्रित करके रखा है। मैं घर तक पहुंच भी जाऊँ ना तो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर वो तुमसे अनजान है नैनतारा, वो नहीं जानते कि तुम उन्हें किस अंजाम तक पहुंचा सकती हो, इसीलिए वो अपनी जान से जाएंगे। पर बिना अपनी शक्तियों के मैं कैसे उन्हें उनके अंजाम तक? माँ कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? नहीं नैनतारा, तुम मेरी बेटी हो। इतने सालों में हर पल हर घड़ी हर वक्त मैंने तुम्हें अपने सीने से लगा के रखा था। उस हादसे वाले दिन भी, वो रेगिस्तान में हुड में, यहाँ तक कि जब मैं झील में भी गिर रही थी तो मेरी बाहों में ही थी। और उन दरिंदों से लड़ते वक्त तब कहाँ थी मैं? उस वक्त कुछ पलों के लिए तुम मेरी नजरों से दूर थी, क्योंकि मैंने तुम्हें उस चूल्हे के अंदर रख दिया था अपने आप से दूर। शायद कुछ पलों के लिए तुम मेरी नजरों से दूर थी तब, और शायद तब भी जब मैं झील में गिर के बेहोश पड़ी थी, शायद तब भी तुम मेरी नजरों से दूर थी। और हो सकता है कि तभी कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आज तुम नागिन रूप में नहीं आ पा रही हो। खैर, इन सब सवालों के जवाब मैं ढूंढ लूंगी, तुम फिक्र मत करो, ठीक है? कैसे फिक्र ना करूं माँ, मैं उन दरिंदों को जिंदा नहीं छोड़ सकती, कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं उनके बीच रह सकूं। उनसे रास्ता जरूर होगा नैनतारा, पर मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि एक आम इंसान इतने इंसानों से कैसे लड़ सकता है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होगा। तुम फिक्र मत करो, क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास इच्छाधारी शक्तियाँ नहीं आई है। माँ देव, क्या हम देव के जरिए कुछ कर सकते हैं? देव शायद मुझे पसंद करता है, मुछे ऐसे लगता है कि देव के जरिए। इसके जरिए क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये मैं तय कर लूंगी, कहा ना मैंने। फिलहाल तुम घर जाओ और मैं कहा वो पता करने की कोशिश मत करना, क्योंकि सबसे पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। एक बार मुझे मेरे जवाब मिल जाए फिर मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगी।
अबे हम ऐसे क्यों भाग रहे थे? तूने क्या देख लिया मानस ऐसा? पता ना? तुम लोगों को कुछ दिखा नहीं? नहीं नहीं, क्या था बोलना? कोई जंगली जानवर था क्या? तो मुझे तो ऐसा फील हुआ जैसे जमीन हिल रही थी। मानस बोलना, तूने देखा क्या? क्या हुआ ऐसा? इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? एसी ऑन है भाई। अबे इसको तो दूसरे वाली गर्मी चढ़ी और उसी को उतारने जंगल में आए। अबे साले तेरी शादी होने वाली है, अब तू कम से कम खाने का मीठा खाना छोड़। वैसे ना भाई छुपा रुस्तम तुमने क्या? नहीं साले, तू जितना मर्जी कूल बन ले लेकिन मेरी तरह नहीं बन सकता जो एक टाइम पे टू टाइम ही कर दे और पकड़ा भी ना जाए। या हार्दिक का फोन आ रहा है। हार्दिक, गाइस वेयर द हेल आर यू? सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हो और मेरी, अब समझ जाओ क्या कर रहे हैं मेरे साथ। पर तुम लोग हो कहां? हार्दिक वो एक्चुअली हम हर्ष की कोई हॉट फ्रेंड को ड्रॉप करने आए थे। हां 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 हार्दिक हां। अच्छा झूठ बोल रहे हो ना सालू? और चाहते हो कि मैं सबके सामने ये सच बना के बोलूं, है ना? गाइस ये सब तो ठीक है लेकिन लेकिन वृंदा गाइस सही सलामत घर पहुंच गई ना? तो तू काल है, तू काली है, महेश्वर की महेश्वरी शिव की शक्ति है तू, और उसी शिव की भक्त हूँ मैं, और उसी का वास्ता देके मैं आज तुझसे पूछती हूँ कि एक माँ होकर एक और माँ के साथ ऐसी नाइंसाफी कैसे कर सकती है तू? मेरी बेटी इच्छाधारी नागिन क्यों नहीं बन पाई? पच्चीस सालों तक ये मुमकिन नहीं था क्योंकि मेरी बेटी पर मेरी माँ का श्राप था, मुझ पर भी था, इसीलिए इतने सालों तक मैं भी अपना नागिन रूप नहीं ले पाई। लेकिन 25 साल बाद अश्लेषा नक्षत्र के लौटने की ठीक एक रात पहले मुझे मेरी शक्तियाँ वापस मिल गई। उस श्राप के चलते मुझसे मेरी पहचान छीन ली गई। मैं एक नागराज कुमारी थी फिर भी मुझसे मेरा राजसी लाल रंग छीन लिया गया। जो नागिन सर पे सोने का ताज पहनती थी उसे फीका चांदी का रंग दिया गया, फिर भी मैंने उफ तक नहीं की क्योंकि मैं जानती थी कि ये मेरी सजा है। अगर श्राप है तो श्राप से मुक्ति भी मिलेगी। 25 साल बाद मेरी बेटी एक इच्छाधारी नागिन बनेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मेरी बेटी इच्छाधारी नागिन नहीं बन पाई, ना तो अश्लेषा नक्षत्र के लौटने पर और ना ही उसके 25वें जन्मदिन पर। इसका क्या अर्थ है? क्या अर्थ है इसका? यही ना कि मेरी नयनतारा मेरी बेटी नहीं है? तो कहाँ है मेरी बेटी? ये कौन सी जगह है? कहाँ है मेरी बेटी? बोल माँ, मेरी बेटी कहाँ है? तेरे पति के सबसे बड़े भक्त का सवाल है तुझसे, तू इसे सुना नहीं कर सकती है माँ। जवाब दे मुझे, कहाँ है मेरी बेटी? और सुन ले माँ, मेरा इंतकाम अधूरा नहीं छूट सकता। मेरे दुश्मन बच नहीं सकते, उन्हें मरना ही होगा। सुना तूने? और तुझे देखना है कि ऐसा ही हो। सुना तूने? तुझे देखना है। मुझे झूठ बिंदा, मैं प्रिया, हम बच गए। हमें उस बहुत बड़े सांप ने बचाया। वो सांप ही था, बहुत बड़ा सांप था। वो बड़ा सांप था जो उसने मेरे रूम में आया था। नहीं, वो सांप नहीं था, वो किसी और रंग का था, लेकिन ये बहुत बड़ा सांप था। मुझे प्रिया, ये क्या बोल रही हो तुम? क्या सांप? क्या बोल? मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। मुझे अपनी जान बचानी है, क्या बोल के गई सब? मैं तो भाग के मंदिर में छुप गई थी, वो मुझे खींच के कहीं लेके जा रहा था, लेकिन
मुझे कुछ भी याद कैसे नहीं आ रहा, मैं यहाँ कैसे आ गई। हेलो हेलो माँ, माँ मैं बस आ रही हूँ। हाँ हाँ मैं बस आ रही हूँ, घर आ रही हूँ। मिलोगे प्लीज? आउट हाउस। वृंदा तुम्हें टाइम देखा है? स्टेप पे वन किसी से मिलता। हेलो हेलो रजत, मिलना हो प्लीज। बीस मिनट हो गए हैं, मैं तब से एक एक मिनट गिन रही हूँ। है कहीं ये मानस? किसी को तो पता होगा ना ये चल क्या रहा है यहाँ पे। मानस मेरे साथ है भी या नहीं, कोई बताएगा मुझे? बेटा मानस, कहा था अब तक? बड़ी माँ, वो बड़ी माँ। मुँह खोल, मुँह खोल अपना। भाभी भाभी शांत हो जाओ, क्या कर रहे हो? मेरा मानस नहीं पीता है। वो तो कोई हमसे पूछे। बिना बताए कहाँ गए थे सब के सब? मैं बताता हूँ, परिवार फिर चाहता क्या है हमारी बच्ची से? मैं वृंदा अभी तक घर नहीं आई है। लेकिन वो पारिका उसमें भी नहीं है, बल्कि वहां भी उसे सब ढूंढ रहे थे। क्या कहां चली गई मेरी बच्ची? कनिका दरअसल मानस तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था, इसकी डिलीवरी नहीं हुई तो वो खुद गया था लेने, इसलिए लेट हो गया। रोली और ये फूल तुम्हारे लिए फूल भी लाया था, अब आकर देना। थैंक यू बेबी। तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। मुंबई की बारिश बिना कमाल है, अब तो दिसंबर में हो रही है। और भरोसा इन लोगों का भी नहीं है। आज तो मानस को और इन सबको बचा लिया मैंने, लेकिन आई हैव टू चेक, कहीं आउट हाउस में पार्टी तो नहीं कर रहे थे ये लोग।
है ना, इस घर में ऐसे ही होने वाला है। देखा सब लोग मानस को कैसे सर पे चढ़ा रहे थे, और वो देव कैसे मानस की साइड ले रहा था। अब सब अगर मानस की ऐसी साइड लेने लगे ना, तो हम लोग हो जाएंगे साइड लाइन, हमारे बच्चे भी हो जाएंगे साइड लाइन। कुछ करो ना रसिक, प्लीज प्लीज सोचने की कोशिश करो यार। नक्षत्र वक्षत्र के चक्कर में मेरा सर पहले से ही चकरा रहा है, और तुम ये फालतू की बातें करके मुझे और चक्कर में मत डालो। बहुत काम है मुझे, प्लीज जाने दे। रसिक रसिक कम ऑन यार। असली चक्कर तो यहाँ चल रहा है। बारिश में बड़े राज कपूर और नरगिस बने फिर रहे हैं। इसका मतलब मेरे हार्दिक का रास्ता साफ। मैं हार्दिक और नयन तारा को चिपका सकती हूँ, वो भी एक छाते के नीचे। प्रिंदा I'm sorry. मुझे लगा रजत था। अरे वो यहाँ आने वाला था तो। That's okay, but तुम ऐसे बारिश में क्या कर रही हो और इतनी टेंस्ड क्यों हो, घबराई हुई क्यों? Everything okay? अब देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। कहा था ना मैंने औकात में रहे, वरना बहुत पछताएगी। मानस चल, छोड़ दो। मानस छोड़। वृंदा तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, क्या हुआ? Everything okay? बताओगी मुझे? लिसन बताओ मुझे जल्दी, वरना तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बता दूंगा कि तुमने मुझे हक किया था। गुस्सा होगा तुम पे, मगर ऑन सेकंड थॉट्स अगर वो तुम पे चीट कर रहा होगा ना, तो गुस्सा नहीं होगा, काफी अंडरस्टैंडिंग होगा। या दिस कैन हैपन। तुम्हें ना बस रजत पे उंगली उठाने का मौका चाहिए होता है। रजत कुछ भी करेगा, वो कभी भी मुझे धोखा नहीं देगा, समझे? तो उंगली नहीं उठा रहा हूं मैं यार। मैं तुम्हारे रजत को ज्यादा जानता तो नहीं हूं, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है, जब भी तुम्हें जरूरत होती है ना, वो तुम्हारे पास होता ही नहीं है। व्हाट्स द मैटर? वो भी तो गायब है ना, जिसके लिए ऐसे शाहरुख खान की तरह बाहें फैलाए खड़े हो इतनी देर से, वो भी तो धोखेबाज है ना, उसको जाके ढूंढो तुम। अरे माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मैं अपनी उम्मीदों पे खरी नहीं उतर पाई, मैं नागिन नहीं बन पाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कितनी बार कहूँ मैं तुमसे नयन तारा, कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों तुम नागिन रूप में नहीं आ पा रही हो। लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ नयन तारा, कि तुम मेरी बेटी हो। मैं तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। खैर ये वक्त आंसुओं का नहीं है, मुझे हमारे दुश्मन तक पहुंचने का एक नया रास्ता मिल चुका है। तुम ही बता रही थी ना कि देव तुम्हें अपना दोस्त मानता है, तो बस उसी देव के जरिए हम अपने दुश्मन को मिटाएंगे। मेरी माँ कहती थी कि इंसानों से खतरनाक जानवर और कोई नहीं है इस दुनिया में, तो बस अब यही जानवर एक दूसरे का शिकार करेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका होगी तुम्हारी, मेरी बेटी की। बस देव तक खबर पहुंचा, उससे मिलने का वक्त तय करो, बाकी किसको कब कैसे मारना है ये मैं तय कर चुकी हूं। अपने हर एक दुश्मन का चेहरा अच्छे से याद है इस नागिन को। वो सांप था। अबे तू पागल हो गया क्या? यहाँ और किसी को कोई सांप नहीं दिखा और तुझे एनाकोंडा दिख रहे हैं? तूने ड्रग्स लिए क्या? शट अप यार,
मैं कह रहा हूँ ना, वो सांप ही था। तो 20-30 फीट ऊंचा था। आज मैं मंदिर में ऑलमोस्ट मरते मरते बचा हूँ। पर तू तो प्रिंदा के पीछे भागा था ना? हाँ हाँ, तभी तो वो शायद वो सांप मेरे पीछे पड़ा। तो मैं झूठ नहीं बोल रहा, आज मैं मरते मरते बचा हूँ। और वो प्रिंदा वो मर गई क्या? मरी जाए तो अच्छा है। पर यार ये बातें बड़ी माओ के कानों तक नहीं जानी चाहिए। पता है ना वो नागों और सांपों को लेकर कौन कौन सी पूजा कराती रहती हैं। उसके बाद भी उन्हें कहीं ना कहीं सांप देखे जाते हैं। याद है जब बैचलर्स पार्टी के लिए जा रहे थे, ऐसे चीख रही थी वो? हाँ, उन्हें उन्हें कोई नाग दिखा था उन्हें। स्टॉप इट गाइस, ये उनकी आंखों का धोखा और कुछ नहीं। पता क्या चल रहा है गाइस, कौन किसको धोखा दे रहा है? अपना मानस भाई, इतने सारे गर्लफ्रेंड्स बनाएगा तो खुद को तो डर चाहिए ना। आजकल लड़कियां भी तो नागिन ही है। अरे यार तुम लोगों को अभी भी मजाक सूझ रहा है? मुझे तो डर है कि वो वृंदा कभी मेरी पोल ना खोल दे। डोंट वरी यार, वृंदा को मैं संभाल लूंगा। तो इसका मतलब वृंदा जिंदा है? क्यों, वृंदा को क्या हुआ? हाँ, क्योंकि अपना प्ले बॉय पहली बार तो किसी लड़के की बनने की कोशिश कर रहा है। हाँ, क्योंकि अगर वो बच गई तो ये मर जाएगा। You guys listen to me very carefully. आज नीचे जो कुछ भी हुआ है ना, वो फिर से रिपीट नहीं होना चाहिए। It's a warning. कल शादी है और तुम लोगों की बेवकूफी या बचपने की वजह से हमारी फैमिली एम्बेरस नहीं होनी चाहिए। Do you get it? जी भाई। Yes sir. Guys, देव भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और मानस तो देख ले भाई, कल अगर फेल वगैरह शादी ना आई तो हम सब लोग कहें। हम सब क्यों? तू कह। हुआ क्या मेरे साथ? वो मानस अचानक कहाँ चला गया था? वो बची कैसे? वो भागते भागते मैं उस मंदिर तक तो पहुंची। मुझे इतना तो याद है, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? ये मैं उस सड़क पे कैसे आई? कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? सिर्फ मानस की शक्ल क्यों याद है मुझे? वृंदा, वृंदा माँ, आपके लिए गुड न्यूज है। आज मैं पूरा दिन घर पे रहूंगी। ना आज मैं किसी की मदद करूंगी, ना मुझे किसी की शादी अटेंड करनी है। आज मुझे सिर्फ अपनी माँ के साथ रहूंगी। इस बात पे ना तेरे मुंह में घी। घी आकर आकर ये कैसे लग गई? इधर इधर, ये लड़की बिना आई पे कुछ भी छोड़ सका। ये कैसे लग गई? अरे उनके घर में आग लगी थी वहां पे, तो ये चोट नहीं है, पुरानी नहीं है। हाँ हाँ, ताजा घाव है। पता है मैंने वहां से सूटकेस उतारी थी, वहां पे रखा था ना, मैं वहां से फिसल गई और यहाँ लग गई। देखो कहीं भी गिरती पड़ती रहती है और चोटें लगाती रहती है। देख तो बाबा, कैसी हो आप? अच्छी तो कैसी हो? कल तुझे हैप्पी बर्थडे नहीं बोला ना, इसलिए आज मैं गिफ्ट के साथ आई हूँ। ये ले चूड़ियाँ। बा, ये मैं नहीं ले सकती, इसकी क्या जरूरत थी? मैं अरे हर चीजें जरूरत से नहीं की जाती है, कुछ चीजें प्यार से भी की जाती है। तूने ही तो कहा था ना मुझे, और अपनी बात खुद भूल गई। ये ले रंग बिरंगी चूड़ियां, आज शाम को शादी में जरूर पहन के आना, मुझे अच्छा लगेगा। आएगी ना बाप? जरूर आएगी। अब आपकी दी हुई ये रंग बिरंगी चूड़ियां पहनकर अपने पसंदीदा लहंगे के साथ। थैंक यू बाप। अभी तक तो पूजा की तैयारी भी नहीं हुई। गीतांजलि, बेटा जल्दी से गुलाब जल लेकर आओ, मुझे कनिका के ऊपर छिड़कना है। जैसे वो तुम्हारे पे पैसे छिड़क रही है। डोली बोलो, सब सुन रहे? क्या सब सुन रहे? तुम्हें पता मुझे इतनी जलन हो रही है, उसके हाथी के घर में इतनी अमीर बहू आ रही है। हाथी के घर में? कौन से घर में? इसी घर में तो पड़ी रहती है। और वैसे भी सोचो जरा, पैसे आएंगे तो हमारे ही जेब में। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। ये सो स्वीट, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं, लड्डू। लड्डू ये लो,
लड्डू। बाकी जिद ना होती ना मैं आज यहाँ कभी नहीं आती। हे भगवान, अब आ गई हो तो उस मानस को मेरे सामने मत लाना। हाँ बस वृंदा, मैं वहां बैठ जाऊ। आइए बा। रसिक भाई, हाँ? पंडित जी कहाँ है? आए नहीं अभी तक? नहीं, मैं लेके आता हूँ। आप आराम से इधर बैठ जाइए। हाँ, मैं बस देख के आती हूँ सब कुछ ठीक से हुआ कि ठीक है। ठीक है, यार तुम एक ही बार में मार दो ना मुझे। आज भी अकेली? बॉयफ्रेंड कहाँ है तुम्हारा? तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? अरे जिसके लिए वो कल रात को ऐसे बरसात में अकेले अकेले भीग रहे थे। भीग नहीं रहा था, मैं इंतजार कर रहा था। रहने दो, बस बहुत काम है, मुझे बाद में बात करना। देव कम से कम अपने भाइयों जैसा नहीं है, मुझे इसे सब बता देना चाहिए। हाँ बता ही देती हूँ, और चुप नहीं रहूंगी मैं। हाँ देव। हाँ आ जाओ, सुनाओ, कुछ बाकी रह गया होगा, सुनाओ, मैं सुन रहा हूँ। नहीं मुझे सुनाना नहीं। नहीं बोलो ना। नहीं सुनाना नहीं है, मैं कुछ बताने चाहती हूँ तुम्हें, जरूरी है। क्या देव, वो कल रात को ना मैं उस तूफान में अपनी मर्जी से नहीं गई थी, मानस ने मुझे। वेट अ मिनट, आता हूँ। हाय, आज मूड ठीक है तुम्हारा? कल तो सबको डांट के चली गई थी। मेरे साथ आओ प्लीज। रख ले, मल्टीपल है। गाइस, सब नीचे आ गए हैं। मॉम का एज यूजुअल बीपी थोड़ा हाई है, कि व्हाट डू यू कॉल, वो अशगुन अपशगुन ना हो जाए। हाथी बुआ काफी खुश है क्योंकि उनकी लॉटरी जो लगने वाली है, और केत की और इरावती काकी ना थोड़ी अपसेट है कि उन्हें कन्निका जैसी रिच बहू क्यों नहीं मिली। सो बेसिकली पूरी फैमिली नॉर्मल है। चलो गुड। अबे क्या गुड यार, वो लड़की दो कौड़ी की नौकरानी, उसकी कोई खबर है? अरे भाड़ में जाए यार, वो उसको संभाल लेंगे हम, उसकी इतनी चिंता क्यों करता है यार? तू बस अपनी गर्लफ्रेंड की फिक्र कर, उस प्रियल की। अबे उसका कल से कोई कॉल नहीं आया। नो न्यूज इज गुड न्यूज, राइट? इसलिए मुझे जैसे ही पता चला मेरी मॉम की तबीयत खराब है, मेरा मूड ऑफ हो गया था। देख, मैं बर्थडे सेलिब्रेट करने का भी मन नहीं करा। इट्स ओके, तुम्हारी मम्मी कैसी हैं अब? अब वो ठीक है, बट देव आई एम रियली सॉरी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम लोगों ने मेरे बर्थडे के लिए इतने अरेंजमेंट्स किए और मैं। कम ऑन, इट्स ओके, आई सेड इट्स ओके। थैंक्स। एंड देव, इफ यू डोंट माइंड, हमने जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू कर सकते हैं। आई मीन शादी के बाद मेरी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं प्लीज। श्योर कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? सारे गुब्बारे तुम्हें खुद भुलाने होंगे, तुम्हारी फ्रेंड ने सारे गुब्बारे फोड़ दिए हैं, पता है तुम्हें? थैंक गॉड मेरा सर बच गया। एक्सक्यूज मी, हेलो। जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है, मैं अपनी चाल के हिसाब से चल रही हूँ, बस आप तैयार रहना। चलो यार, चलो। हेलो प्रियल, मैं तुम्हारी घर के छत पर हूँ। कल जो तुमने किया उसके लिए तुम्हें कभी माफी नहीं मिलेगी। खैर, फिर भी मैं तुम्हारी सफाई सुनना चाहती हूँ, अभी जल्दी से ऊपर आ। सॉरी मैं नहीं आ सकता अभी, मैं बिजी हूँ। ठीक है तो मैं नीचे आ रही हूँ, तुम डिसाइड कर लो, सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास। डैमिट यार, इसको तो जंगल में किसी खाई भाई में फेंक देना चाहिए था। अपने चश्मे तो ना ही पागल, जिन्हें लड़कियों को हैंडल करना नहीं आता। भाई यार, ये तो हमारी छत पे चढ़ गई है, वो भी हमारे घर के। अब जाओ ऊपर एंड शो हर हु इज द बॉस। क्या 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 मत कर भाई, कोई गड़बड़ हुई ना तो देव भाई मंडप की आग को ना सबकी चिता की आग बना देगा, समझ ले? फोन करके गए देव भाई। एग्जैक्टली, जाओ निपट उससे, अगर ज्यादा मुंह खोले ना तो मुझे कॉल करियो। तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूं मैं, आज बारीक परिवार का एक चिराग